एम्पायर ने कैसे कह दिया नो बॉल को और सारी चीजें, तो विराट कोहली सही है जितना वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा प्लेयर जरूर है लेकिन जो कल उसने हमारे साथ ज्यादा की वो नहीं हमें अच्छा लगा। प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लड़कियों में क्रश से आई डोंट थिंक सो उनको फर्क पड़ता है। ही हैज अनुष्का शर्मा ने कोई वाइट बॉल दे रहे थे और रनिंग भी सही थी लेकिन एंड पे इन्होंने गड़बड़ की। वालेकुम सलाम। आपका नेम? हिना महमूद। मुबीन हैदर। आपका? किंजा चंदा। कौसर। अच्छा हिना, आपसे ये पूछना था कि विराट कोहली एक प्लेयर है, इसने पाकिस्तान को हराया, तो वो आपको कैसा लगा इसके बारे में कि अब वो मतलब उसका क्या कहेंगे? आई जस्ट से दैट कि आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा ओपनली वो की जाती है, जैसे कहते हैं ना पहले छुप छुपा के डील्स होती हैं और छुप छुपा के जो है वो चीज़ें की जाती थी, आजकल ओपनली जो है चीट किया जाता है। और आई डोंट थिंक सो कि जो मुझे लगता है मुल्क स्ट्रांग होता है या फिर उनकी ज़रा जो क्रिकेट जो होती है वो स्ट्रांग होती है वो ले जाता है। फिर मैच कल जीता हुआ मैच हमारा जो था वो इंडिया ले गया और आवाम कुछ भी नहीं कर पाई, और अभी भी हमने एक दिन दो दिन गुस्से का इजहार किया लेकिन अब मैच तो वही जीत गए ना, उनका ही नाम आएगा लिस्ट में, लेकिन यू नो यहाँ पे तो अब बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि ये नहीं लगता कि आपकी धांधली हुई है कि मतलब बेईमानी? वो तो ओपन धांधली है ना, मतलब एम्पायर ने कैसे कह दिया नो बॉल को और सारी चीज़ें, तो मतलब इतनी ओपनली चीट कभी हमने क्रिकेट में भी नहीं देखा, इससे पहले वर्ल्ड कप में नहीं देखा। इसमें क्या हुआ और दोबारा से चेक क्यों नहीं किया गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पहले सियासतदानों के स्कैंडल्स आते हैं, फिल्म स्टार्स के स्कैंडल्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अब तो क्रिकेट जो है क्रिकेटर्स के भी आना शुरू हो गए कि नो बॉल क्यों किया। और इससे पहले आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई तमाशा पहले लगा है कि नाइंसाफ़ी हो गई, और अब ये है ओपनली नाइंसाफ़ी हो रही है। और मतलब कि अब विराट कोहली जो लड़कियों के क्रश हैं उनके हवाले से अब वो प्लेयर कैसे हैं? प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, लड़कियों में क्रश से आई डोंट थिंक सो उनको फ़र्क पड़ता है। ही हैज़ अनुष्का शर्मा और अनुष्का शर्मा इज़ लाइक अ क्लास, तो वो और जिसके क्रश होंगे विराट कोहली साहब उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगता है उसकी सारी बातें आपको अच्छी लगती है चाहे उसमें हज़ार बुराइयाँ क्यों ना हो। तो आई डोंट थिंक सो कि इन द एंड किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, जो होना था जो करना था वो कर लिया, अब आवाम रोए पीटे जो मर्ज़ी करती रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विराट कोहली सही है जितना वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान को उसने तो क्या हराना है, खैर हमारी एक किस्मत में भी था। और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जैसे रिजवान और बाबर वगैरह, इन्होंने आपने देखा होगा मैच, इन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया इस बार, लेकिन खैर और मैं इनके बारे में क्या कहूँगी। मतलब आपको वो वैसे एज अ क्रिकेटर वो अच्छा लगता है प्लेयर? नहीं तो कुछ आपको गुस्सा आया उसने हमारे पाकिस्तानियों को हरा दिया, ऐसा क्यों किया उसने? लेकिन जब पाकिस्तान जीतता है तो भी अपनी वजह से जीतता है, अब हारा भी है तो हम मुझे नहीं लगता उसकी वजह से हारा है, अपनी वजह से ही हारा है। जैसे वो शाहीन है, अभी अगर तुम्हें चोट लगी हुई है तो तुम ना खेलो, तुम इंजर्ड हो, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। और हारा जो पाकिस्तान है वो मुझे आपने लास्ट ओवर में जो गेम सीन चला था ना इंसाफी हुई थी वो आपको पता होगा, तो खैर वो भी, लेकिन खैर पाकिस्तान अब हार गया तो हम उन्हें ज़्यादा वो नहीं डिस्करेज करेंगे। खैर आई होप नेक्स्ट जो है पाकिस्तान फाइनल में ज़रूर जाएगा, मैं कहना चाहूँगी। उनका बेशक अच्छा है लेकिन कल जो हुआ है वो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, उन्हें कोई वाइट बॉल दे रहे थे और रनिंग भी सही थी लेकिन एंड पे इन्होंने गड़बड़ की है, हाँ हमें बहुत दुख हुआ। ये हाथ में हमारे मैच था ये, लेकिन उनके हक में गया ना वो सरासर बेईमानी है, हम कहते एंड पे आके बेईमानी, बेईमानी खुली बेईमानी नजर आ रहा था। एक तो होता है ना, लेकिन हार जीत होती है, लेकिन जो कल क्या से वाइट बॉल दी जबकि नहीं देनी चाहिए थी, वो यहाँ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती हुई। क्या कहना चाहते हैं विराट कोहली के, वो कैसा लगता है आपको, अच्छा प्लेयर है? नहीं, अच्छा प्लेयर जरूर है लेकिन जो कल उसने हमारे साथ ज्यादती की वो नहीं हमें अच्छा लगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, सही बात है, हमारे से ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई। क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से? हम ये देना चाहते हैं कुछ जो कोताहियाँ ये भी दूर करें, ठीक है कल उनका हक बनता था लेकिन कुछ गड़बड़ हुई है, जो उन्हें वाइटे बाले दिए ना वो सरासर ज्यादती थी वहाँ से जी। तो अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो मैच आएगा उसमें हम क्या कितनी मेहनत करें? मेहनत तो हर दफ़ा ये करते हैं, गड़बड़ तो एंड टाइम पे ही गड़बड़ होती है, लेकिन हम बस उन्हें यही ताकीद करेंगे चलो बेटा आप में कोताहियाँ वो दूर करो, लेकिन कल वाला मैच हमारे हाथ में था लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल पता नहीं क्या हुआ बस। तब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए, जो मैच आए पाकिस्तान जीतेगा? हर दफ़ा कहते हैं जीतेगा, फिर ऐसा क्यों होता है इनके साथ, क्यों कुछ मेहनत नहीं करते शायद? तो क्या छोटी छोटी गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की टीम चलती रहनी चाहिए? हाँ चलती रहे, क्यों नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं चलो जो कोताहियाँ दूर करें, कल हमें बहुत सैड थे, बहुत अफसोस हुआ, बल्कि मैं रोई थी
हाँ वाकई रोई थी, हकीकत है। सारी बातें, ये तो हमारी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है और हम लोग अपनी टीम के साथ इतनी मोहब्बत करते, वो मोहब्बत हमें नजर नहीं आती कि ये लोग क्यों नहीं करते ऐसा। हाँ बस पता नहीं, ये नहीं करते लागतबाजी। कल वैसे दुख हुआ, अब हमारे हाथ से मैच चला गया। अच्छा किंजा, आपसे ये पूछना था, विराट कोहली कैसा प्लेयर है और दूसरा उसने पाकिस्तान को हरा दिया, उसके वाले से क्या कहें? विराट कोहली अगर उसके पर्सोना में देखा जाए बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर हम क्रिकेट की बात करें, मैच की बात करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये चीज़ कि आप उस बंदे को उसकी मुल्क से जज ना करो, उसकी चीज़ों से उसकी उसके स्पोर्ट्स को देखो। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। हमारे पाकिस्तान इंडिया के साथ जितना मर्जी राइवलरी है जो कुछ भी, बट एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उसने कल जिस तरह एक बंदा अपनी टीम को सपोर्ट कर सकता है, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अपनी और बेहतरीन सपोर्ट किया अपनी टीम को। मेरा बेस्ट समझ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसने बहुत अच्छा खेला कल। वो बहुत अच्छा प्लेयर है As a person, वो बहुत अच्छा आदमी। He's a very friendly, social and a very nice person. He is basically a very good sportsman. ठीक है, तो अब अगला जो मैच होगा पाकिस्तान का, उसमें क्या आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस मैच में भी बहुत अच्छी थी। ड्यू टू सम रीजन हम जीत नहीं पाए, जिसमें एम्पायर्स का भी काफ़ी हाथ था, तो लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी अगले मैच में। कोई मैसेज? वेल, जो भी हो, हारना जीतना इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, सो जस्ट लव योर टीम, बिकॉज़ जो हमारे लिए इतनी दूर जाके खेलते हैं, सारा शक्ल करते हैं, जस्ट लव योर टीम। पाकिस्तान ट्राई कर सकता है अब मेरे ख्याल में, साथ में दुआएं भी कर ले कि कोई नाइंसाफी ना, बस यही दो चीज़ें हैं। अब पहले जो पाकिस्तानी आवाम थी वो दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान मैच जीत जाए, अब ये भी करना है कि अल्लाह मियाँ कोई एम्पायर नो बॉल ना कर दे, कोई और अंदर से साइंस ना लड़ाई जाए। तो सारी दुआएँ किया करें जी, एक इज्तमाही दुआ करें और सारी नाइंसाफियों के लिए भी साथ में करें, इंक्लूड्स कोई इन्ग्रीडियंट भूलना नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद कभी वर्ल्ड कप जीत सके।